मैं यकीन से कह सकती हूँ कि 70% फीमेल्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, वो रिलेशन बनाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनका जो भी सीमेन है, रिलेशन बनाने के बाद जो पुरुष का पानी रहता है वो, या वीर्य जिसको बोलते हैं, वो वेजाइना में नहीं रुकता और वो बाहर निकल जाता है, ऐसा उन्हें लगता है। और इस चक्कर में वो दीवार की तरफ पैर करके घंटों लेटे रहते हैं, जिसे हम लेग रेजिंग पोजिशन कहते हैं। तो आखिर ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती है, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है आज के समय में, और ज्यादातर पेशेंट हमसे ये क्वेश्चन करते हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारी से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सो दोस्तों, वीर्य यानी कि जो पुरुष का सीमेन रहता है, जब हम सीमेन एनालिसिस करवाते हैं तो हम पुरुष के वीर्य की यानी पानी की जांच कराते हैं। बेसिकली वो वीर्य आपके यूट्रस में नहीं एंटर करता है, उसके अंदर मौजूद जो शुक्राणु है यानी कि जो स्पर्म्स हैं, वो ही आपके यूट्रस में अंदर ट्रेवल करते हैं। तो वीर्य बाहर आता ही है, तो अगर आपके मन में ऐसे कोई भी डाउट है तो आप उन्हें बाहर निकाल लीजिए। वीर्य अंदर नहीं जाता, उसके अंदर के शुक्राणु अंदर जाते हैं। शुक्राणु का मोटाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि शुक्राणु के अंदर इतनी ताकत होना कि वो मूव कर सके, वो ट्रैवल कर सके, और ट्रैवल करके आपके यूट्रस में यहाँ पर वीर्य निकलता है, और यहाँ से उस शुक्राणु को ट्रैवल करके जाना है और आपके ट्यूब्स में जाना है, और जो भी वहां पर फीमेल ओवा रिलीज हुआ है यानी जो एग रिलीज हुआ है, उससे मिलकर एक अच्छा फर्टिलाइज्ड एग बनाना है, यानी कि एम्ब्रियो बनना है, ब्लास्ट बनना है, जाइगोट बनना है, जो उसकी स्टेजेस है वहां तक जाना है। तो स्पर्म की एक ये नेचुरल कैपेसिटी होती है कि वो ट्रैवल करके जाता है, यूट्रस में ट्रैवल करता है और ट्यूब तक जाता है। इसलिए अगर पानी बाहर आता है तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। नेचर ने हमारे बॉडी में जो भी चीजें दी हैं, वो इस हिसाब से दी हैं कि शुक्राणु उसमें इजीली चला जाएगा। बेसिकली ये होना चाहिए कि जो सर्विक्स का माउथ है उसमें कोई स्टिनोसिस नहीं होना चाहिए, यानी कि वहां पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए जिससे कि शुक्राणु को अंदर जाने में दिक्कत हो, या फिर ट्यूब में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपका ओवा जो रिलीज हो रहा है और जो शुक्राणु है वो दोनों मिल ना पाए। वही ऐसी चीज है जो कंसीविंग में दिक्कत कर सकती है। बहुत बार रेट्रोवर्टेड यूट्रस और एंटेरोवर्टेड यूट्रस रहता है, तो अगर रेट्रोवर्टेड यूट्रस है तो उसमें पोजीशन आप डॉक्टर से पूछ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बना सकते हैं। एंटेरोवर्टेड यूट्रस में ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं। बहुत लोग बोलते हैं कितनी देर तक हम लेटे रहें कि उसके बाद वो जो पानी है वो छूटे नहीं, तो हालांकि वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो स्पर्म्स हैं वो ट्रेवल करके अंदर चले जाते हैं, स्टिल आप 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक उसी पोजीशन में लेटे रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। फीमेल्स को वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आफ्टर इंटरकोर्स, हम लोग ऐसा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, तो अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये वो बेसिक चीजें हैं। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और साइंटिफिकली क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आशा आयुर्वेदा के साथ। धन्यवाद।